अमेठी पटना की प्रेरणा ने जिला कृषि कार्यालय और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण यानी आत्मा भागलपुर के सहयोग से जिले में किसानों को जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सहयोग दिए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज यहाँ कई किसान सालों भर जैविक सब्जी की खेती कर अपना जीवन यापन ही नहीं कर रहे बल्कि खुद को सफलता के शिखर तक पहुँचा दिया है। बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मा के सहयोग से किसानों को दिए जा रहे सहयोग ने अपना सुखद परिणाम दिखाना भी प्रारंभ कर दिया है और इसी का उदाहरण है भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड स्थित मुकुंदपुर पंचायत के रनुचक ग्राम के यह खेत इसका जीता जागता प्रमाण है। यहाँ आत्मा भागलपुर ने अपनी तकनीकी टीम सहित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से कृषकों के बीच जैविक तरीके से सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का संचालन करते हुए यहाँ कई कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे पहले किसानों को जैविक सब्जी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पहल आरंभ किए गए। इसके लिए आत्मा भागलपुर ने यहाँ जैविक सब्जी उत्पादक समूह का गठन कर इन्हें जैविक सब्जी उत्पादन के गुर सिखाने के लिए समूह के कृषक सहित अन्य कृषकों को जैविक सब्जी के उत्पादन के सभी प्रमुख चरणों की जानकारी इनके खेतों पर ही प्रत्यक्षण के माध्यम से प्रदान की। साथ ही इन्हें मुफ्त बीज और खाद सहित जैविक सब्जी उत्पादन के लिए इन कृषकों को इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दिया गया। कई किसानों को इस ओर प्रेरित किया और साथ ही उत्तम गुणवत्ता वाले करेला, टमाटर, गोभी, बैंगन, कद्दू और भिंडी सहित कई ऐसे ही बीज इन कृषकों को मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। साथ ही जैविक खाद बनाने के लिए किसानों को जैविक खाद निर्माण के विभिन्न विधियों सहित बर्मी पीठ निर्माण पर 50% का अनुदान भी उपलब्ध कराया गया। साथ ही जैविक खाद नहीं बना पाने वाले किसानों को अनुदानित दर पर जैविक खाद और जैव कीटनाशक सहित कई तरह की दवाएं भी उपलब्ध कराई गई, ताकि यहाँ के कृषकों को जैविक सब्जी उत्पादन के लिए प्रेरित किया जा सके। आत्मा भागलपुर के इन्हीं प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है कि आज कई किसान यहाँ सालों भर जैविक सब्जी का उत्पादन कर न सिर्फ खुद को विकास के मुख्य धारा से जोड़ दिया है बल्कि आसपास के किसानों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। और ऐसे ही किसानों में से एक है मुकुंदपुर पंचायत के रनुचक ग्राम निवासी सुरेश रजक। इन्होंने आत्मा योजना का लाभ ले न सिर्फ बैगन, गोभी और टमाटर का जैविक तरीके से उत्पादन कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त किया बल्कि रासायनिक खादों पर आने वाले खर्च भी बचाया है। साथ ही इन्हें इन जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी कीमत भी प्राप्त हुई।